आते ही पवन सिंह ने 6 महीने की कसर निकाल ली। जी हाँ, धड़ाधड़ वो प्रोजेक्ट साइन पे साइन कर रहे हैं। हम आपको बता दें, मुंबई आना पवन सिंह का इस बार इतना लकी साबित हुआ कि 100 मिलियन क्लब में पवन सिंह का एक और गाना गया। गाने का नाम है मीठा मीठा बात है कमरिया। लेकिन हम आपको आगे जो खबर देने वाले हैं, अगर आप पवन सिंह के फ़ैन हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वो खबर सुनने के बाद आपका 56 इंच का सीना हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम ये भी बता दें कि आज जो खबर है उसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि पवन सिंह ने ठान लिया है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला कर रहेंगे। जैसे कि अब जो खबर आ रही है हमारे स्क्रीन पे, आप फोटो देख रहे होंगे जो चल रही है। अभय सिन्हा से मिलने गए थे पवन सिंह, उनके ऑफिस यशी फिल्म। 3 बड़े प्रोजेक्ट की फिल्में साइन की हैं और बताया जा रहा है कि ये 3 बड़ी बजट की फिल्में जो हैं लंदन में शूट होंगी और 13 अक्टूबर को पवन सिंह का लंदन जाना तय है। तो क्या खेसारी लाल यादव को वो जो 3 फिल्में ऑफर हुई थी, अब लोगों को लगेगा कहीं वो पवन सिंह के हत्थे तो नहीं लग गई? तो हम आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव ने अपनी अलग 3 फिल्में साइन की है अभय सिन्हा के साथ ही, जिसकी शूटिंग लंदन में होगी। अक्टूबर में खेसारी भी जाएंगे और अक्टूबर में पवन सिंह भी लंदन के लिए रवाना होंगे। लेकिन पवन सिंह की डेट तय हो चुकी है, 13 अक्टूबर को पवन सिंह लंदन जा रहे हैं और वहीं पर अपनी 3 फिल्मों की शूटिंग होगी। बारी बारी से वहां पर सॉन्ग पिक्चराइजेशन होंगे और कुछ फिल्मों की शूट होगी। एक में तो उनकी हीरोइन जो है मधु शर्मा तय मानी जा रही हैं, लेकिन 2 फिल्मों के लिए अभी हीरोइन का चयन नहीं किया गया है। आपको अंदर से खबर अगर बता दें तो इस फिल्म में हो सकता है कि एक फिल्म में जो है कि मधु शर्मा तो है ही, दूसरे फिल्म में कोई नया चेहरा हो और 3रे फिल्म के लिए शहर अफसा की बात चल रही है। जी हाँ, शहर अफसा, जिनकी जोड़ी घातक में पवन सिंह के साथ बहुत ही पसंद की गई थी, ऐसी खबर आ रही है कि हो सकता है कि उस फिल्म में शहर अफसा हो। तो अब आगे की अपडेट के लिए हमसे आप ऐसे ही बने रहिए। हम आपको और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देते रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी देते रहेंगे पवन सिंह के बारे में। और एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि राजस्थानी घाघरा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और जल्द ही ये गाना लगता है कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा। साथ ही पवन सिंह का एक और गाना है जो 1 मिलियन लाइक पूरा करने वाला है। जी हाँ, भोजपुरी के लिए एक और शान की बात है कि पवन सिंह का हिंदी सॉन्ग जो कि कमरिया हिला रही है, वो 1 मिलियन लाइक, व्यूज़ नहीं, लाइक पूरा करने वाला है। पवन सिंह के जो भी फैंस हैं वो 56 इंच का सीना तान सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।